Assalamu alaikum class 7. I'm your math teacher and today we learn exercise number 11b. Question number 5. If 3 is subtracted from a number and the remainder is multiplied by 13, the product is 91. Find the number. Class, हमने दी गई statement के मुताबिक condition बनानी है. वो कह रहा है इसके अंदर if 3 is subtracted, 3 subtract हो जाएगा. हम क्या करेंगे, x के साथ उसको माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे किसी नंबर के साथ. x हमने सपोज किया x माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे सबट्रैक्ट की बात हो रही है. फ्रॉम अ नंबर, क्लास जब फ्रॉम वर्ड यूज होता है ना, इसका मतलब होता है कि हमने उससे माइनस करना है, यानी कि 3 को माइनस करना है. सो इसलिए हमने 3 को माइनस किया है x के साथ. एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई. नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या कहा जा रहा है इसके अंदर, द रिमाइंडर इज मल्टीप्लाइड. जो रिमाइंडर है उसे मल्टीप्लाई करें, 13 को मल्टीप्लाई करें. तो हम 13 को मल्टीप्लाई करें, हम मल्टीप्लाई की साइन नहीं लगाएंगे, जस्ट ओनली ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है. हमने 13 यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट हमारा क्या निकला, 91. सो वी राइट 91. क्लास हमने फाइंड करना है नंबर, यानी कि हमने एक्स मालूम करना है. बाय कंडीशन अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट द कंडीशन इज दिस. ओके, नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. क्लास यहाँ पर x माइनस 3 है, हम यहाँ इज इक्वल्स टू जरूर लगाना होता है, इज इक्वल्स टू जरूर लगाया करें. क्लास x माइनस 3 हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक वेरिएबल है और ये एक कांस्टेंट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से सॉल्व नहीं हो सकते. सो हमने क्या करना होगा, ब्रैकेट को खोलना होगा, 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम पूरी वैल्यू के साथ, 13 मल्टीप्लाई बाय x. तो ये क्या हो जाएगा, 13x माइनस का माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 जा 9, 3 1 3 39 इज द आंसर. अब हमारा ब्रैकेट ब्रेक हो चुका है, इज इक्वल्स टू 91 एज इट इज लिख देंगे हम. अब क्लास ये दोनों यहाँ वेरिएबल है, लेकिन यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, ये जस्ट कांस्टेंट है, जबकि ये वेरिएबल और कोफिशिएंट वाला नंबर है, हम इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते. तो कोफिशिएंट वाली जो वैल्यू है वो हमेशा लास्ट में सॉल्व होती है. क्लास हम 91 यानी कांस्टेंट एज इट इज लिखेंगे, एंड माइनस का 39 इज इक्वल्स टू के इस तरफ चला जाएगा, सो वो अपनी साइन चेंज कर देगा और वो प्लस हो जाएगा, प्लस का 39 हो जाएगा. नाउ ऐड 91 प्लस 39. ओके क्लास हम इसको ऐड भी कर चुके हैं, 91 प्लस 39 130 आंसर आ रहा है हमारे पास. तो वन वी राइट 130 इज इक्वल्स टू एज इट इज 113x एज इट इज. अब क्या करेंगे इस कंडीशन में, क्लास आपको भी पता है हम वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, कांस्टेंट अपनी जगह रहेगा, जस्ट ओनली कोएफिशिएंट जो है वो चला जाएगा कांस्टेंट के नीचे 13. नाउ डिवाइड दिस, 13 वन ज़ा 13 एंड 0 एज इट इज. 13 का टेबल 10 टाइम्स तक पढ़ें क्लास, तो 130 आंसर आएगा हमारे पास. एक्स की वैल्यू क्या निकल आई, 10. स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो.